वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। दोस्तों ये तो ना सोए हुए कुंभकर्ण की तरह होते हैं, और जब ये जागते हैं ना तब पूरी तरह से तबाही और बर्बाद ही मचा देते हैं। और एक एक्टिव वॉल्केनो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में तो आप पहले से ही बहुत सी बातें जानते होंगे। आज के दिन हमारी पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस मौजूद हैं, जो समय समय पर फटते रहते हैं। कुदरत की असली ताकत का नमूना है एक वॉल्केनो, जिसकी तबाही देखकर ना सभी के यार होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा खतरनाक और इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। समय समय पर आग उगलने वाले ये ज्वालामुखी जो एक्टिव वॉल्केनो कहलाते हैं, अगर आप इनके पास भी जाएं तब उसी समय आप आग में तबाह हो जाओगे, और अगर आप इसके काफी ज्यादा दूर भी हो तब भी आप कुछ ही सेकंड्स में आग में पूरी तरह से बदल जाओगे, क्योंकि इनके आसपास भी काफी टेम्परेचर होता है, और अगर आपके आसपास होते समय कहीं इन्होंने ब्लास्ट किया तब तो यार आपका कुछ भी बचने नहीं वाला। लेकिन दोस्तों अगर एक वॉल्केनो किसी भी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, तो फिर क्यों ना इसमें बर्बाद हुई चीजों को ही डाल दिया जाए, मेरा मतलब वेस्टेज को। और क्यों ना हम अपने बेकार के कचरे को पूरी तरह से वॉल्केनो में डालकर बर्बाद कर दिया करें, जिससे हमारी पृथ्वी भी साफ और पूरे लोग भी साफ और पूरी दुनिया हैप्पी रहेगी पृथ्वी पर। दोस्तों ये आइडिया सुनने में तो यार बेहद ही मजेदार लगता है ना, लेकिन ऐसा करने पर क्या क्या हो सकता है शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो में यार पूरा मजा तो आने ही वाला है, तो अपनी कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न तैयार रखो। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर सारा कचरा एक वॉल्केनो में डाल दिया जाए तो इसके परिणाम बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि क्या हिस्ट्री में किसी ने ऐसा करने की कोशिश की है या फिर बिल्कुल नहीं की। दोस्तों हिस्ट्री में ऐसा करने की साइंस ने कभी कोशिश तक नहीं की। हमारे इंडिया देश का ही पूरे साल का कचरा 6.5 करोड़ के टन से भी ज्यादा बनता है, तो कितना ज्यादा कचरा है आप सभी जानते हो। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि इसमें से सिर्फ 60% कचरा ही कलेक्ट हो पाता है, और इस 60% के हिस्से में से भी सिर्फ 18% कचरा ऐसा होता है जो पूरी तरह से रिसाइकल होता है। यानी हमारे इंडिया देश का मोस्टली कचरा तो ऐसे ही तालाबों में या फिर सड़कों में पड़ा रहता है, जिसके चलते देश काफी गंदा होता है। तो फिर बढ़िया आइडिया तो यार यही रहेगा कि सारे कचरे को ना ज्वालामुखी की आग में जलाकर राख कर दिया जाए और सारी गंदगी तबाह हो जाए, क्योंकि सही में इस काम के लिए ना एक वॉल्केनो ही बेस्ट है। लेकिन ना ये जितना आसान लगता है ना उतना आसान नहीं, इसमें काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि एक एक्टिव वॉल्केनो को ढूंढना बेहद ही मुश्किल बात होती है। आज के दिन पूरी दुनिया में सिर्फ 1500 पोटेंशियली एक्टिव वॉल्केनो मौजूद हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप के पास सिर्फ इकलौता एक एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है, जो अंडेमान में बैरिन आइलैंड में मौजूद है। लेकिन दोस्तों इस वॉल्केनो में पूरे देश का कचरा डालना पूरी तरह से नामुमकिन जैसा काम है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा टन कचरे को ले जाने में ही अरबों रुपए का खर्चा आएगा, तो भला इस काम का क्या फायदा जिसमें इतना ज्यादा खर्चा हो जाए। इससे तो पूरे देश का बजट ही बिगड़ जाएगा। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में भी एक्टिव वॉल्केनो ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से हर रोज कचरा कलेक्ट होता है, और उन शहरों से कचरा कलेक्ट करने के बाद वॉल्केनो में लेकर जाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और कोई भी देश को ये आइडिया बिल्कुल भी बेस्ट नहीं लगता। और इससे तो बढ़िया ये है कि वो देश कहते हैं कचरे को रिसाइकल ही क्यों ना किया जाए। लेकिन दोस्तों फिर भी मान लेते हैं, अगर हम सारे कचरे को वॉल्केनो के पास पहुंचाने में सफल हो भी जाएं, तब भी हमें वहां पहुंचकर बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, क्योंकि वॉल्केनो के पास पहुंचने के बाद हमें पता चल सकता है कि ये तो यार उस टाइप का वॉल्केनो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि हम सोच रहे थे। दोस्तों असल में इस काम के लिए एक स्पेशल ज्वालामुखी पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, और नॉर्मल ज्वालामुखी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
इस खास टाइप के वोल्केनो को नाम दिया गया है शील्ड वोल्केनो, जो बेहद ही खास टाइप का वोल्केनो है और पूरी दुनिया में इस तरह के बेहद ही कम वोल्केनो देखने को मिलते हैं। और ये वोल्केनो बेहद ही रेयर है, बिल्कुल हमारे चैनल की तरह। लेकिन चलिए, अगर लंबी रिसर्च के बाद हमारी साइंस ने इस रेयर टाइप के वोल्केनो को ढूंढ भी लिया और वहां पर सारा कचरा ले भी गए, तो वहां पर कचरा नीचे गिराने का काम भला कौन करेगा, क्योंकि उनके आसपास इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि ज्वालामुखी के टेम्परेचर से किसी की भी मौत कुछ सेकंड में ही हो सकती है और खतरनाक गैसेस से भी आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों 2000 में इथियोपियन की रिसर्च की एक टीम ने सिर्फ 30 किलोग्राम कचरे को वोल्केनो में फेंक दिया, जिसका परिणाम बेहद ही डराने वाला था। और ये दोस्तों कचरा था सिर्फ 30 किलोग्राम। जिसके बाद साइंस को ये पता चला कि अगर वोल्केनो में कोई भी ठंडी चीज जैसे कि कचरा फेंका जाए, तब बेहद ही खतरनाक एक्सप्लोजन की शुरुआत हो जाती है और वहां से भाग जाना ही सही होता है। और इस बेहद ही खतरनाक एक्सप्लोजन को रोकना भी किसी के लिए आसान नहीं और लगभग इम्पॉसिबल है। और दोस्तों आप सोचिए, सिर्फ 30 किलोग्राम कचरे से ये हो गया तो यार करोड़ों टन कचरे से भला क्या होगा, शायद पूरी दुनिया ही तबाह हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं साइंस का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी आपको अब बताने वाला हूँ, जो हवाई के ज्वालामुखी के साथ देखने को मिला। और इसके लिए साइंस को तो बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ये एक्सपेरिमेंट तो हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक ही पूरा हुआ। दरअसल हवाई के ज्वालामुखी में छोटी चट्टाने गिरने से ज्वालामुखी का लावा बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सप्लोज होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 85 मीटर से 115 मीटर तक पहुंच जाती है और इतनी ज्यादा ऊंचाई तक लावा जाता है। अब आप सोच ही सकते हो कि सिर्फ एक चट्टान के गिरने से कितना ज्यादा लावा ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और अगर हमने सोची अकेली पंजाब स्टेट या फिर महाराष्ट्र स्टेट का कचरा वोल्केनो में फेंक दिया तो हो सकता है पूरा देश ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि इतने ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन को रोकना बाद में पूरी तरह से असंभव ही होने वाला है। इसीलिए आज तक कभी भी साइंस ने ट्राई नहीं किया इस तरह करने का। इसके अलावा अमेरिकन साइंटिस्ट ने 2009 में ऐसा ही कुछ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन दूसरे देशों के साइंटिस्टों ने इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश की, जिसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी दोस्तों ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को ही नुकसान पहुंच सकता था। और ऐसा भी हो सकता था कि वोल्केनो की खतरनाक जानलेवा गैसेस पूरी दुनिया में कई जगहों पर फैल जाती, जिसके चलते लोगों की मौत 5 से 15 सेकंड में ही हो जानी थी। वहीं कोई साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए अगर सारा कूड़ा वोल्केनो में ठीक तरह से डाल दिया जाए और वो कुछ दिनों में पूरी तरह से जल भी जाए, तब भी उसका पोल्यूशन इतना ज्यादा होगा कि उस पोल्यूशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होगा और उस पोल्यूशन के चलते ही इंसानों की उम्र यानी इंसानों की एज भी काफी ज्यादा कम हो सकती है। तो दोस्तों इस आइडिया से तो यार हमें यही पता चलता है कि इससे तो हमें पूरी तरह से नुकसान ही हो सकता है और कोई भी बेनिफिट वाली बात नहीं है वोल्केनो में कचरा डालने वाली। और दोस्तों यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस चीज के पूरी तरह से हमेशा से खिलाफ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, इंडिया और चाइना। और दोस्तों वैसे भी इस तरह की गंदगी को खत्म करना ही हमारे लिए मेन काम है, लेकिन अगर इस गंदगी को वोल्केनो में डाल दिया जाए तब तो यार ये गंदगी पूरी दुनिया में ही फैल जाएगी और पूरी दुनिया की हवा कितनी ज्यादा गंदी हो सकती है आप सब जानते ही हो। और अगर हवा बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाएगी तब तो लोगों को कई तरह की खतरनाक बीमारियां होने का रिस्क भी कई गुना तक बढ़ जाएगा। और हर देश के लिए ये बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि उस देश की हवा बहुत ही ज्यादा साफ हो, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट साफ होगा, हवा साफ होगी और पानी साफ होगा तो वहां पर रहने वाले लोग काफी बढ़िया से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे और उनकी हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी। और सबसे बेस्ट आइडिया है वेस्टेज को पूरी तरह से सही से रिसाइकिल करना, ताकि पॉल्यूशन भी बिल्कुल ना फैले और उनका बाद में एक बार फिर से सही से यूज भी हो पाए, यही पूरी तरह से बेस्ट वे है। आपका दोस्तों इस सब के बारे में क्या कहना है कि कचरे को किस तरीके से यूज करना चाहिए या फिर किस तरीके से उन्हें पूरी दुनिया से मिटाना चाहिए, अपनी राय यार नीचे कमेंट में जरूर देना।
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।